हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं हाउ जयपुर पुलिस सरप्राइज्ड किडनैपर्स। बोपरे, ये क्या न्यूज़ है। देखे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, जल्दी शुरू करते हैं। मुझे पता क्या लगा सुन के कि वो किडनैपिंग करने के लिए जा रहे थे और पुलिस उनको करते हुए पकड़ लिया, पर मैं फिर सोच रही हूँ कि हो सकता है कि कर चुके हो और फिर पुलिस ने पता कर लिया हो कि कौन ये हैं और फिर जिसको पकड़ा किडनैप किया तो उनको बचाया होगा। तो है कि किडनैप किया था वो बच गया ना, दैट्स द मेन थिंग। मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो जब हो रही थी तब पुलिस वहीं पहुंच गई या होने के बाद पुलिस ने बचाया। अगर हो रही थी और बचा लिया तो और भी बड़ा कमाल। और अगर वो बच्चा बचा लिया ग्रेट। हमें क्या पता बच्चा है कौन है, जिसको भी किडनैप किया, जिसको भी किया था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अनुज अनुज खड़ा बेटा, खड़ा बेटा, पुलिस पुलिस मस्त रहे, जयपुर पुलिस। किसको पकड़ा था? पुलिस है, जयपुर पुलिस, जयपुर पुलिस। अरे आप हैं, वो तो आराम से सो रहा है। वो सीन स्लीपिंग बीटेक स्टूडेंट विद फ्रेंड्स। एक रैंडम किडनैपिंग हो गया, कोई बाहर का कोई गिरोह आ गया, वो ढूंढ रहा था इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति कौन है जो पैसा वाला है। क्या है? नाहरगढ़ में इसको इन्होंने काबू में लेके बहुत ही अंदर इंटीरियर से इसको लेकर आए और इसको काबू में करके इन्होंने उसको पीछे की सीट में सुला दिया, लिटा दिया और इसको चादरों से ढक दिया और इसके हाथ पैर और मुंह बंधा हुआ था। अनुज को यहाँ उन्होंने गाड़ी में बिठा के जो दवाई पिलाई उसके बाद सीधा इसकी आंख अगले दिन 19 तारीख को सोलन में ही खुली है। Oh God. तारीख को सबसे पहले कॉल आया, वो विक्टिम का फोन आया कि आपका बच्चा जो है हमारे कब्जे में है तो हमें 20 लाख का फिरौती चाहिए। ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। बड़े चालू हैं। ये कॉल मैच्योर हो गया मथुरा से और उसके अगले रोज फिर कॉल आ गया, वो कॉल मैच्योर हुआ था देहरादून से 22 तारीख को। तीसरी बार कॉल किया, इस बार कॉल गया पंचकुला से और उनको कहा गया कि पैसा लेके आपको आना चाहिए चंडीगढ़ में। सेट इन द लास्ट में कंपार्टमेंट ट्रेन में। अच्छा, धर्मपुर स्टेशन के जस्ट पहले उनको बताया कि आप ट्रेन के डोर के पास आ जाओ और हमारा नेक्स्ट कॉल आएंगे उसको फेंकना बाहर। डिलीवरी जिसको देना था वो रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस के तरफ था, वो पकड़ में आ गया। वहां लेके गए, वहां विक्टिम सुरक्षित मिला, वहां निगरानी करने वाला दो और मिला, गैंग लीडर है उसका, एक लिव इन रिलेशन में रहता एक महिला भी मिला। ये जो गैंग लीडर है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये पहले कहीं कोलकाता में नौकरी किया और उनका खिलाफ कोई 306 का है केस था कहीं बंगाल में। इसके अलावा इसको अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन नहीं है। इनके लिव इन में एक लेडी रहता है बंगाल की, वो दोनों वो धर्मपुर के आसपास कोई किराए के मकान थे, वो उसका सेफ हाउस था जहाँ इसको पकड़ को लेके सीधा वहां चला गया। इसको किडनैप किया था इस भाई गॉड। कितना अनसेफ है, मतलब इतने बड़े को, कोई छोटा बच्चा भी नहीं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद वो उसको पकड़ के ले गए। नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गैंग लीडर था वो भी और जिसको पकड़ा है शायद वो भी
वो भी मेरे को लग रहा है कि वो भी था, मतलब उन लोगों को पैसा चाहिए था, उन्होंने रैंडमली गैंग बना हुआ था, उन्होंने लोगों को देखा लगा ये लड़का थोड़ा मालदार लग रहा है, अमीर का खानदान का, उसको लेके, जबकि उसके फादर से ऑटो रिक्शा चलाते थे, उसको पकड़ के ले गए, लुक्स के हिसाब से जो भी उनको लगा उसके हिसाब से पकड़ के ले गए, क्या क्या डिमांड कर रहे थे। और पुलिस ने बहुत ही अच्छा कार्य किया कि जैसे उन्होंने बोला था भी ट्रेन में लास्ट कंपार्टमेंट चले जाओ, वहाँ से पैसा फेंक देना, पुलिस तो वहाँ देख ही रही थी, मूवियों में जैसे नहीं होता है वैसे, पुलिस वहाँ पे रेडी होगी कौन पकड़ेगा कौन पैसा लेगा, पकड़ लिया उसको, फिर उसके बाद तो पीट पाट के सब पता चला, सब निकलवा लिया, कहाँ रहते हैं क्या करते हैं क्या कर रहे हो, और वहाँ जाके वो, और पुलिस पूरे सादे कपड़ों में थी वो सारी, और वो लड़का सो रहा है उसके साथ लग रहा है, साथ में वो किडनैपर खड़ा ही नहीं हो रहा, उठ ही नहीं रहा, क्या पता वो डर के एक्टिंग कर रहा होगा जैसे कि भैया अब क्या पकड़ा गया भागते हैं, क्या पता कैसा, क्या पता मुझे तो समझ नहीं है, पर अगर इट इज अमेजिंग कि किस तरीके से उन्होंने बच्चे को बचा लिया। और कि तो मैं तो वो सुन के हैरान थी कि दवाई ऐसी कुछ पिला दी या क्या था कि पूरा दिन वो सोता रहा, ऐसे बेहोश कर दो और कपड़े को ऊपर कंबल कुंबल चला दो, किसी को पता ही ना चले, उसके हाथ पैर बांधे हुए थे, बांध के उसको गाड़ी के अंदर लिटा कर उसके ऊपर बेहोश कर दिया, मेडिसिन थी या क्या थी उसे बेहोश कर दिया। और कितने चालू थे, शातिर थे कि लोकेशन चेंज करते जा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं, और उसी के फोन से कर रहे हैं। देखिए लोकेशन चेंज करो ना करो, अल्टीमेटली तुम बोल रहे हो चंडीगढ़ में आके, बात क्या बनी यार, इवेंचुअली तुमने बता ही दिया कि चंडीगढ़ में यहाँ तुमने फेंकना है, तो पुलिस को पता चल गया चंडीगढ़ वहाँ, यहाँ से फोन कर रहे हो, वहाँ से फोन करवा रहे हो, जहाँ से करा रहे हो उसका, या डिवाइसेस होते हैं जिसे कॉल अपनी ऑर्डर करके कर रहे हो, हु केयर्स, पॉइंट है कि तुमने बता दिया तुम कहाँ पैसा एक्सचेंज कर रहे हो। अच्छी बात थी कि पुलिस ने अच्छा कार्य किया और वहाँ पे लोगों को पकड़ा, बच्चे को छुड़ाया और फुटेज भी ली, जो देखने में लग रही है कि भाई ये सब चल रहा था, उससे और ऑथेंटिसिटी आती है कि वाह क्या कमाल किया पुलिस ने। वो खड़ा उठा, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन है वो, तो बोल रहा होगा उसको थोड़ा बहुत याद होगा कि किसी ने मेरे को कुछ किया होगा, धक्का मारी की होगी, कुछ किया होगा, इस टाइप से कुछ तो याद होगा। नहीं, उसको ये नहीं समझ में आया था कि पुलिस है, वो जब उठा है तो उन्होंने कहा पुलिस आई है, उठो घर, उसको पता भी नहीं होगा मैं कहाँ लेटा हूँ, क्या पता है क्या है, कुछ नहीं पता। नहीं, उसको क्या पता, पता नहीं कितना उसको क्या क्या बीच में देते होंगे कि ताकि उसको होश ज्यादा देर रहे ना, क्या पता, साथ में बंदा बैठा हुआ है पूरा उसके साथ ही सो रहा है ताकि उस पर नजर रखे। और सबसे तो जो मेन मास्टरमाइंड है वो, मतलब वो खुद ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने ये काम किए हैं, और लगता है पहले भी उसने किए होंगे, जिस तरीके कुछ किया है, कोई केस था शायद, और प्लान मतलब अकेले नहीं, उसके साथ कितने लोग साथ में पूरा उसने, नहीं चले ऐसे केसेस और दिखाने चाहिए जहाँ पे नजर आए कि पुलिस की सक्सेस नजर आए, उसे पता चलता है कि भैया बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डिलीजेंटली काम करते हैं, लोगों को बचाते हैं, और हिमाचल में भगल लेके गए, पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, मैं तो समझ, चंडीगढ़ में ड्रॉप करना था मगर देहरादून पहुंच गया, हिमाचल भाग गए, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता गया, इतना जल्दी एक एक दिन में ट्रैवल करके पहुंच रहा है कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से ऊपर जाओ तो हिमाचल चल रहा था, ठीक है, और ट्रेन में बिठा के बोला तुम्हें कि ट्रेन में शिमला वाली ट्रेन में बैठना है और फिर वहां पे पता करना, तो उसको पैसा तो फेंकना था, पैसा चाहिए था इनको, बाय गॉड, मतलब सेफ्टी तो है ही नहीं, अगर तुम अमीर दिख रहे हो तो भी तुमको कोई पकड़ के उठा के लेके जा सकता है, अनफॉर्चुनेट, बाय गॉड, बहुत ही मतलब, पर पुलिस ने बहुत अच्छा किया यार। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।